हेलो प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग भी चाहते हो इस टाइप का स्टेटस क्रिएट करना? इस टाइप का स्टेटस ना काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है और बहुत लोग पैसे भी कमा रहे हैं ऐसा स्टेटस वायरल करके। क्योंकि गाइस, अगर आप लोग भी ऐसा स्टेटस बनाओगे तो आपका भी स्टेटस वायरल होगा। एंड आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है। एंड आप लोग को जो भी ऑल PNG मिलेगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही अच्छे से बताएंगे कि कैसा स्टेटस आप लोग कैसे क्रिएट करते हो, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले गाइस क्या करना होगा आप लोगों को, आपके मोबाइल में पिक्सल लैब होगा ही। एंड आप लोग अगर होगा नहीं तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। तो पिक्सल लैब पहले ओपन करना है। एंड इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सेप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? तो सेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड आप लोग को कुछ इस टाइप से इसको छोटा करके एंड आप लोग को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना होगा, ठीक है गाइस? तो सेव यहाँ से कर देना है। एंड गाइस, आप लोग को पहले टेक्स्ट डिलीट करना है, ठीक है? एंड इतना करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, इसको ब्लैक करना है, ठीक है? तो कॉल करते हुए जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा कलर्स, ठीक है? तो कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसको ऑन करना है। यहाँ से आप लोग को ब्लैक कलर सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर देना होगा। एंड गाइस, इतना करने के बाद क्या करना है, इस कॉल करते हुए आना है तो स्टॉक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? तो इस पर क्लिक करना है एंड इसको ऑन करना है। यहाँ से सफेद कलर सेलेक्ट करके एंड इसको हल्का सा बढ़ाना है। एंड गाइस, यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद गाइस, एक इफेक्ट और इसमें डालेंगे, इस कॉल करते हुए जाएंगे ना तो आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा शेड वन, ठीक है? तो इस पर क्लिक करना है, इसको ऑन करना है और इसको भी सफ़ेद कलर रखना है एंड इसको हल्का हल्का ऑन कर देना है, 1% 2%, ठीक है गाइस? तो इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ से, इतना होने के बाद गाइस ना, सिंपली से आप लोग को टेक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर टेक्स लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम आईडी लिख लेना है गाइस, ठीक है? तो आप लोग अपना इंस्टाग्राम आईडी लिख लीजिएगा, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी लिख लेता हूँ। अगर फॉलो नहीं किए होंगे आप लोग तो फॉलो कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अपना इंस्टाग्राम आईडी लिख लेना है। एंड लिखने के बाद क्या करना है आप लोग को, ये वाले ऑप्शन पे जाना है एंड स्क्रॉल करते हुए आएंगे ना गाइस, तो आप लोग को फाउंड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? तो फाउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइस, क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से कोई सा भी मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद इसको छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट करना है गाइस, ठीक है? तो अब क्या करना है आप लोग को, ऊपर जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है ना, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फॉर गैलरी पर जाना है गाइस, ठीक है? जाने के बाद आप लोग को इंस्टाग्राम का एक लोगो यहाँ पर लगा लेना होगा, ठीक है? छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना होगा गाइस। तो इसको ऐड करना है। एंड गाइस, क्या करना है, दोबारा से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ से आप लोग को शायरी ऐड कर लेना होगा गाइस, ठीक है? तो मैंने कॉपी करके रखा है, पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ से आप लोग को एडजस्ट कर लेना होगा अच्छे से, ठीक है? अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। एंड गाइस, क्या करना है आप लोग को, स्क्रॉल करते हुए जाना है, फॉन्ट का ऑप्शन देखना है, ठीक है? तो फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करते हुए आना है तो सबसे नीचे आप लोग को मिल जाएगा ये वाला फॉन्ट, ठीक है? तो इस पर क्लिक करके यहाँ से सेव करना है गाइस, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से फॉन्ट मिल जाएगा और इसको बड़ा छोटा करके आप लोग अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड गाइस, क्या करना है आप लोग को, सबसे लास्ट में जाना है, यहाँ डुबल लेयर दिखेगा, ठीक है? इसे डुबल लेयर पर क्लिक करना है एंड कलर पर जाना है एंड इसके बैकग्राउंड को आप लोग को हरा कलर कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ से हरा कलर कर देंगे। एंड गाइस, क्या करना है आप लोग को, इस पर क्लिक करना है सेव वाले ऑप्शन पे, ठीक है? तो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव इमेज पे जाएंगे एंड यहाँ से क्लिक करके JPEG पे क्लिक करके PNG कर देंगे। एंड डिफ़ॉल्ट पे आकर आप लोग को अल्ट्रा कर देना है, ठीक है? और यहाँ से सेव कर लेना है। अब आगे का प्रोसेस बताते हैं गाइस। तो गाइस, क्या करना है आप लोगों को, VN एप्लीकेशन ओपन करना है। एंड गाइस, VN एप्लीकेशन ओपन होने के बाद प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है
एंड फोटो वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से आप लोग को फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना होगा जिस फोटो पे स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो। तो ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 9.16 रेशियो रख लेना है। एंड गाइस जितना मिनट तक जितना सेकंड तक आप लोग को करना है जितना सेकंड तक आप लोग को करना है वीडियो का रेशियो उतना बढ़ा लेना है गाइस, ठीक है। तो मैं अच्छे से बढ़ा लेता हूँ। वीडियो का रेशियो बढ़ाने के बाद क्या करना है आप लोगों को, फ़ोटो एंड वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, 3 नंबर पे। जिस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ़ोटो एंड वीडियो पे चले जाएंगे। एंड फ़ोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद गाइस आप लोग को एक ब्लैक स्क्रीन मिलेगा, इसको पहले ऐड करना है, बड़ा करके कुछ इस टाइप से इसको लगा देना है एंड वीडियो में पूरा इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। फिर दोबारा से वीडियो एंड फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड गाइस इस टाइप का आप लोग को स्क्रीन मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, फिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ ऑसम सा दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, दोबारा से फ़ोटो एंड वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड गाइस फ़ोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो पिक्सल लैब में आप लोग शायरी ऐड किए थे ना इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग को क्रोमा का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से जाना है एंड इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है एंड यहाँ से सेव करके और अच्छे से यहाँ एडजस्ट कर देना है शायरी को, ठीक है। एंड गाइस एडजस्ट करने के बाद क्या करना है आप लोग को, इसका रेशियो वीडियो तक बढ़ा लेना है गाइस, ठीक है। एंड गाइस अब क्या करना है, फ़ोटो एंड वीडियो पे दोबारा से टैप करना है एंड आप लोग को यहाँ से कोई सा भी लिरिक्स ऐड कर देना है जो आप लोग को अच्छा लगे देखने में गाइस, ठीक है। ब्लेंडिंग पे जाना है एंड स्क्रीन करना है, सेव करना है एंड इसको बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। एंड गाइस स्टेटस तैयार हो गया है, चलिए आप लोग को चला कर दिखाते हैं। थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी। गाइस ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा ये वीडियो गाइस, ठीक है। तो वीडियो सेव करने के लिए क्या करना होगा, ये तीर का ऑप्शन है ना, इस पर टैप करना है एंड आप लोग को यहाँ से किसी भी रेशियो में सेव कर लेना है इस वीडियो को। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़।